दोस्तों दूसरे टेस्ट के लिए टोबाको पहुंचते ही टीम इंडिया को एक साथ मिली हैं तीन तीन बड़ी खुशखबरियां। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे, पांच मैचों की टी20 और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला मुकाबला जो हुआ था यहां पर दोस्तों डोमिनिका में खेला गया था। उस मुकाबले को टीम इंडिया ने एक इनिंग और 141 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था। उस मुकाबले में हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय टीम ने पूरी की पूरी वेस्टइंडीज को एक बार में ही बैकफुट पर भेजकर आराम से मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों अब बारी है दूसरे मुकाबले की। दूसरा मुकाबला जो कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में खेला जाने वाला है। अब यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए और इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि टीम इंडिया को पता है कि अगर यह मुकाबला हार जाएंगे तो पहले मुकाबले के जीतने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। टीम इंडिया को यह भी पता है कि अगर यह मुकाबला जीतेंगे तभी हम सीरीज जीतेंगे। इस वजह से दोस्तों टीम इंडिया यहां पर पूरी कोशिश कर रही है और इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के पास तीन तीन खुशखबरियां भी आ रही हैं। कौन कौन सी आई उन पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो है दोस्तों टीम इंडिया के ओपनर खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को लेकर। तो फाइनली दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू पर शतक लगा दिया है जिससे टीम इंडिया को ओपनिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब तक ये दिक्कत थी कि कौन खिलाड़ी है जो ओपनिंग करेगा और अच्छी ओपनिंग करेगा, तो जायसवाल ने कहा मैं करूंगा और अच्छी करूंगा और वो करके भी दिखा रहे हैं। वहीं अगली खुशखबरी निकल आई दोस्तों रोहित शर्मा के फैंस के लिए। रोहित शर्मा जिनके फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि टेस्ट क्रिकेट से उनको कप्तानी छोड़नी भी पड़ सकती है जिस तरीके का उनका खराब फॉर्म है, लेकिन रोहित शर्मा ने शतक जड़कर बता दिया कि अभी वो टीम इंडिया के लिए लगातार क्रिकेट खेलने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगली खुशखबरी निकल कर आई सुमन गिल से। सुमन गिल जो कि पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरीके से आउट हो गए थे 6 रन बनाकर, इतना जब बढ़िया सब लोग खेल रहे थे वो 6 बनाकर आउट हो गए थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि यहां पर दोस्तों दूसरे मुकाबले से पहले उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में नेट में काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की है जिससे कंफर्म हो गया है कि यहां पर दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में यहां पर सुमन गिल का तूफान आएगा। आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।